अगर आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप एक आई लाइनर से स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो सिर्फ आप आई लाइनर से ये स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं और 2 मिनट में हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये ममा अर्थ का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है और एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा प्राइमर की तरह भी काम करता है। मैं फाउंडेशन के लिए लैक्मी का मूस फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये आप डेली भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट फाउंडेशन है। मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करूंगी। इसमें मेरा शेड है इसका लवोरी फेयर। आपको अपनी नेक पे भी इसे अप्लाई करना है। आपको इसको ब्लेंड करने के लिए किसी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। इसको लगाने के बाद आपको कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इसको सेट करने के लिए मैं कोई फेस पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं ये पॉन्ड्स पाउडर का यूज कर रही हूँ। ये पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज करती हूँ। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप एक आईलाइनर से स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ एस्टर कोगी की आईलाइनर। आपको सबसे पहले जैसे लाइनर लगाते हैं आप उसी तरीके से आपको लगा लेना है इसे। आपको ज्यादा मोटा नहीं लगाना है, बस ऐसे पतला पतला सा लगा लेना है। ये सूखने ना पाए उससे पहले ही आपको इस टाइप के ब्रश से आपको अपनी क्रीज लाइन तक ही इसको ब्लेंड करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें आपको जो आईलाइनर होता है वाटरप्रूफ यूज नहीं करना है। क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना है वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं ये एडीएस के प्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। मस्कारा के लिए मैं लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा यूज कर रही हूँ।
अभी ये थोड़ा ड्रामेटिक सा लग रहा है, जब पूरा लुक कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ही ब्लश के लिए ब्राउन और ये पीच कलर दोनों मिक्स करके ब्लश लगाने से मेकअप का लुक चेंज हो जाता है। ब्लश को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। हाइलाइटर को मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर लेती हूँ सेम पैलेट से। लिपस्टिक के लिए मैं ये रहने की फेयरफाइल लिपस्टिक का ये जो ऑरेंज टोन में ये कलर है मैं ये वाला यूज करूंगी। So guys, this is my final look. Guys, आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। Thank you so much.